दोस्तों आपका हमारे चैनल एक पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैमसंग की 6.5 केजी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की। ड्रम की बात करें तो इसमें डायमंड ड्रम आता है जो कि स्टेनलेस स्टील में है। जिसमें कपड़े फिल करने होते हैं वो आपने 70% फिल करने हैं, मतलब कि ये रबर तक फिल करने हैं। जैसे डीप में है वैसे आपने ये पूरा फिल नहीं करना, 70% तक फिल करना है इसमें। डिटर्जेंट ट्रे की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा प्री वॉश एडिटिव है, इसमें आप आफ्टर वॉशिंग जो यूज़ करना चाहते हो वो इसमें यूज़ करेंगे। ये मेन वॉश है। प्री वॉश कब यूज़ करते हैं? प्री वॉश तब यूज़ करते हैं आप जैसे कि आप कोई कपड़े धो रहे हैं जिसमें डर्ट वगैरह ज़्यादा है, जैसे कि पर्दे वगैरह धोते हैं हम तो उसमें मिट्टी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए यहाँ से हाफ डिटर्जेंट लेना है आपने, जो लगभग आपने इसमें डालना है 25 ग्राम तक। वो डिटर्जेंट उठाएगी, उससे 10 मिनट तक वॉशिंग करेगी, उसके बाद वो डिटर्जेंट वाला पानी निकाल देगी। उसके बाद मेन वॉशिंग से मेन यहाँ से जो आपने 50 ग्राम डिटर्जेंट डालना है, 50 से 60 ग्राम उसमें डिटर्जेंट लेगी और फिर मेन वॉशिंग करेगी। क्योंकि प्री वॉश यूज़ किया है तो वो गंदे पानी में आपको मेन वॉश में नहीं करेगी, तो आपके कपड़े हैं जो बढ़िया से वॉश हो जाएंगे। इसमें आप एडिटिव, आप नील परफ्यूम, कंफर्ट वगैरह जो आफ्टर वॉश यूज़ करते हैं वो करना चाहते हो तो वो इसमें यूज़ होंगे। पावर की बात करें तो ये पावर का स्विच है, इसे पावर ऑन मिल जाएगी। आप जैसे कॉटन वाला प्रोग्राम चलाना चाहते हो, जैसे कॉटन के कपड़े हैं तो आप चलाना चाहते हो तो वो चला सकते हो। टेम्परेचर की सेटिंग यहाँ से हो जाएगी, आप जितना टेम्परेचर देना चाहते हो, जैसे 20 डिग्री, 40, 60। अगर आपके कलर कपड़े हैं तो आपने 60 से ऊपर नहीं देना, अगर वाइट हैं तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो। स्पिन आरपीएम जितने करना चाहते हो कॉटन के प्रोग्राम में वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, आप रिंस करना चाहते हो या प्री वॉश यूज़ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, या रिंस होल्ड यूज़ करना है वो आप कर सकते हो इसमें। उसके बाद डिले स्टार्ट है, जैसे अभी मशीन नहीं स्टार्ट करना चाहते, आप से 5-6 घंटे बाद स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डिले स्टार्ट के टाइमिंग लगा सकते हो, 3-4-5 घंटे जितनी देर में। लेकिन इसमें अगर लाइट चली जाती है तो वो टाइम ऐड हो जाएगा। अगर आप सोक करना चाहते हो, जैसे कपड़े गंदे, कई कपड़े गंदे होते हैं तो हम उनको डिप करके रख देते हैं, तो सोक आप करना चाहते हो तो ये उसकी ऑप्शन है, सोक करना चाहते हो तो वो सोक हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम की बात करें, सिंथेटिक आ जाता है। सिंथेटिक अगर आपने कपड़े हैं वो आप मैकेनिकल रिएक्शन ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है जी, पानी जो ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो तो इसमें क्या है कि आपको वो हो जाएगा, सिंथेटिक के कपड़े आ जाएंगे। फिर वूल्स के कपड़े आ गए, इसमें टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। स्पिन आरपीएम भी कम हो जाता है, 800 RPM हो जाता है इसका। तो ये 53 मिनट का प्रोग्राम है, तो वूल इसमें धो सकते हो। अगर आपने कपड़े बाहर धो लिए हैं, मतलब डिटर्जेंट वगैरह लगा दिया, आप चाहते हो फिर रिंस कर दे और स्पिन कर दे, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आप वन टाइम रिंस कर देगा और आपको कपड़े को सुखा भी देगा। आपने कपड़े वॉश कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया, रिंस वगैरह कर लिया, तो आप सिर्फ सुखाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। स्पिन के RPM यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कितनी करनी है। उसके बाद है बेबी वॉश। बेबी वॉश में क्या होता है कि इसमें आप प्रोग्राम बहुत बड़ा है, क्योंकि थोड़े गंदे कपड़े अगर ज़्यादा हों तो उसके लिए है ये। डेनिम धोना चाहते हो, 73 मिनट का प्रोग्राम है, तो ये डेनिम वगैरह इसमें आ जाएंगे। डेलिकेट कपड़े आ जाएंगे, ठीक है, डेलिकेट कपड़े हैं जैसे जिनको मलने की कम ज़रूरत होती है तो वो डेलिकेट में आ जाएंगे। डेली वॉश है, मिक्सा लोड है आपका, बीच में वूलन्स भी हैं, डेलिकेट भी हैं, सब कुछ है, तो डेली वॉश में आ जाएंगे। क्विक वॉश है, वो आप इसमें धो सकते हो, जैसे कि आपने कपड़े गंदे नहीं है ज़्यादा, ठीक है, आपने मलने नहीं है ज़्यादा, जैसे आके आप जिम गए हो, सिर्फ आपने पसीने की स्मेल वगैरह है वो निकालना चाहते हो, या सिर्फ आप वॉश करना चाहते हो कुछ टाइम के लिए कपड़े डालें, तो आप ये क्विक वॉश पे लगा सकते हो, 15 मिनट में ये कर देगा। उसके बाद अगर ये दोनों को प्रेस करोगे तो आपका लॉक लग जाएगा, ठीक है जी, लॉक के साइन यहाँ पर आ जाएगा, ये लॉक लग जाएगा, कीपैड आपका लॉक हो जाएगा। अगर इसको करोगे तो मशीन का जो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ये पावर का बटन है और ये आप प्रोग्राम जो चलाना चाहते हो उसके लिए, और कोई भी आपने ये ऑप्शन यूज़ करनी है तो इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। मशीन में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। अगर आपको हमारी डेमो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।